नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ हर धर्म, समुदाय, जाति के मानने वाले स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता। यहाँ पे छात्र पढ़ लिख कर देश को, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अफसोस कि आजकल धर्म की राजनीति इन शिक्षा के मंदिरों पर भी दस्तक दे रही है और यहाँ भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। खबर है राजस्थान के कोटा जिले खजूरी में मौजूद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां एक हिंदू छात्रा के टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट में इस्लाम शब्द को जोड़ दिया गया। कहने का मतलब यह है कि लड़की हिंदू है लेकिन फिर भी इस्लाम लिख दिया गया। अब ये गलती से हुई या फिर जानबूझकर किया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन इस गलती पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त एक्शन लिया है और कहा है कि अगर ये जानबूझकर किया गया होगा तो दोषियों को बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच होने तक आरोपियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में बच्चों के भविष्य निर्माण का केंद्र होने चाहिए, धर्मांतरण की प्रयोगशाला नहीं बननी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के स्कूलों में धर्मांतरण का अड्डा बनाया जा रहा है। सुनिए शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। राजस्थान के कोटा जिले की सांगुद पंचायत समिति के खजूरी गाँव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया, वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लौजियात का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने दो अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल वन है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन शारीरिक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है उसके भी खिलाफ आगे कार्यवाही हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि स्कूलों में लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को जबरन नमाज पढ़ाने का मामला उनके संज्ञान में आ रहा है, जिसकी जांच वे करवा रहे हैं। अगर कोई भी दोषी करार पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी मदन दिलावर ने स्कूल ड्रेस पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निर्धारित स्कूल ड्रेस के अलावा अगर कोई भी छात्र या छात्रा घूंघट, सिर ढककर या फिर किसी भी तरह का दूसरा कपड़ा पहनकर स्कूल जाते हैं तो ये स्कूल की अनुशासनहीनता होगी, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। शिक्षण संस्थाओं में जहां ड्रेस या पोशाक या गणवेश ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ कहते हैं इसको, वो लागू है ही, उसके अतिरिक्त पहनकर जाना अनुशासनहीनता है। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि कोई घूंघट लेके जा रहा है, कोई मुंह ढक के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई भरूपिया बन के जा रहा है, अरे भाई हमारे हिंदू समाज वाले तो कोई घोटा लेके हनुमान जी बन के भरूपिया बन के चल गए तो हनुमान जी बन के चल गए, तो इसलिए हम किसी भी कीमत पर जो तय गणवेश है उसके अतिरिक्त कुछ भी पहन करके शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और नहीं तो जो फिर कानूनी जो हमारी यथोचित कार्यवाही होती है कार्रवाई करेंगे, कोई एक्शन प्लान सर। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत शिक्षा मंत्री से की थी, जिसके बाद ही शिक्षा मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी कि राजस्थान में इस तरह की गतिविधियां नहीं चल सकती हैं, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। हालांकि मदन दिलावर की ये वीडियो सुनने के बाद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हम आपको एक वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। वो वीडियो पूरी तरीके से सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि शिक्षा मंत्री ने सभी के लिए ऐसा आदेश दिया है और इनका मकसद सिर्फ ये है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म को ना घुसाया जाए। आइए आपको मदन दिलावर की एक और वीडियो दिखाते हैं। मैंने भी एक घंटे पहले निर्देश दिए अधिकारी को, इसको निलंबित और मुख्यालय बीकानेर रहेगा। ये चाल देख करके एक डाबड़िया में भी कोशिश की गई,
वहां भी ऐसा कहा गया, मैंने आज उसको भी एपीओ कर दिया है, बीकानेर के लिए रवाना कर दिया है। अब सरस्वती माँ का अपमान सहन नहीं करेंगे। मित्रों में देखता हूं स्कूलों में कई लोग अध्यापक विशेषकर रिकॉर्डिंग कर रहे बालाजी भैरव जी की पूजा पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर बहुत मार जाते हैं। हमको नमाज पढ़ने जाना है, हमको भैरव जी की पूजा करने जाना है, हमको बालाजी की पूजा करने जाना है। अरे बालाजी भैरव जी की पूजा करो तो भैया स्कूल की पहले कर लो ना। नमाज पढ़ना है तो आप स्कूल के पहले पढ़ लो ना। स्कूल समय में नहीं जाना होगा, जाओगे तो दंड भुगतना पड़ेगा, जाओगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। अब कोई भी बालाजी भैरव जी के नाम से और नमाज पढ़ने के नाम से स्कूल समय में से समय कटौती करके नहीं जा सकता, उसकी एब्सेंट लगेगी, उसकी एब्सेंट लगेगी। और फिर भी पुनरावृत्ति हो तो निलंबित करूंगा। अब फिर भी नहीं माना तो एक लिफाफा पकड़ाऊंगा और कहूंगा घर जाओ तो बर्खास्त है, तुम्हारी स्कूल में जरूरत नहीं है दोस्तों। और किसी ने स्कूल में मां बहन को छेड़ा, किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया, कुछ खोटा काम किया तो प्रथम दृष्टया पुलिस ने पाया कि वास्तव में ये आरोपी है तो उसके मकानों को ढूंढूंगा, सबूतों को ढूंढूंगा। मैंने पुलिस को भी कह दिया ऐसे सारे आंकड़े हमारे अधिकारी मांगे तो दे दो। वो आंकड़े इकट्ठे करके फिर योगी जी से बात हुई नहीं, मेरी हो चुकी है मेरी पहले। उनके पास बहुत सारे बुलडोजर हैं, मैंने पहले ही बात कर ली थी चुनाव के पहले। शिक्षण संस्थाओं में जहां ड्रेस या पोशाक या गणवेश ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ कहते हैं इसको, वो लागू है ही, उसके अतिरिक्त पहनकर जाना अनुशासनहीनता है। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि कोई घूंघट लेके जा रहा है, कोई मुंह ढक के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई बहुरूपिया बन के जा रहा है, अरे भाई हमारे हिंदू समाज वाले तो कहीं तो घोटा लेके हनुमान जी बन के बहुरूपिया बन के चल गए, तो हनुमान जी बन के चल गए। तो इसलिए हम किसी भी कीमत पर जो तय गणवेश है उसके अतिरिक्त कुछ भी पहन करके शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और नहीं तो जो फिर कानूनी जो हमारी यथोचित कार्यवाही होती है कार्यवाही करेंगे। कोई एक्शन प्लान सर?